वेलकम माई टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ लंच से। तो यहाँ मैं जो है कबाब कबाब फ्राई कर रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें फिर खिला पिला के जो है ट्यूशन भेजना था। तो बस यहाँ जो है मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ। और आज के कबाब जो है बहुत स्पेशल है, बहुत ही कोई स्पेशल है ये कबाब। टेस्ट करेंगे फिर बताएंगे कि जी कैसे बने हैं। और डिनर में जो है आज मैंने बनाने हैं आलू मेथी, जो कि बहुत यम्मी बनती है। मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करूंगी इसी ब्लॉग में। आप लोग बनाना चाहें तो इस तरीके से बना के देखिएगा, सच में मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। चलिए जी अब इनको जो है ट्राइंग कर लेते हैं। और अब के ये मुझे आसानी असल में इसलिए हो रही है ब्लॉग अपलोड करने में कि मैं जो है ना हैंड टू हैंड वॉइस ओवर कर रही हूँ, यानी कि लाइव ही। तो ज़्यादा इसलिए आसानी हो रही है ब्लॉग अपलोड करने में, वरना वो प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा कि ब्लॉग पहले रिकॉर्ड कर लो फिर जो है एडिटिंग के वक्त जो है वॉइस ओवर करो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगती थी। तो इसलिए जो है ब्लॉग से ज़्यादा फिर आसानी मुझे शॉर्ट वीडियो में लगती थी, तो मैं यूँ ही अपलोड कर दिया करती थी शॉर्ट्स। खैर ये जो है इतने हसीन कोई इनका कलर आ रहा है, और फिर टेस्ट करके मैं बताऊंगी कि ये कितने यम्मी बने हैं, क्योंकि ये बहुत स्पेशल कबाब है आज के। चलें जी बिस्मिल्लाह मैं कर चुकी हूँ, और ये वाकई में इतने यम्मी कबाब बने हैं। और ये स्पेशल क्यों है ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, लेकिन ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बहुत यम्मी है ये। और ये किसने बनाए हैं और ये स्पेशल क्यों है ये बस सीक्रेट है। चलिए जी अब आ जाते हैं आलू मेथी की तरफ। तो आलू मेथी के लिए जो सामान चाहिए वो सब मैंने जो है यहाँ पे रख दिया है। उसके लिए जो मैंने 3 या 4 आलू कट किए थे, और ये सूखी मेथी है जो घर में सुखा के रखी हुई थी मैंने, ठीक है बाज़ार की। और ये थोड़ी सी डालूँगी मैं, ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। बाकी ज़ीरा है, बाकी ये मसाले हैं, और 1 से 1.5 टमाटर आप कट कर लें 3 से 4 आलूओं में, थोड़ा सा ये लहसुन है, और ये साबुत लाल मिर्च है, और ये हरी मिर्च है। बस यही कुछ सामान जाएगा। हम जो है लहसुन में थोड़ी सी मेथी ऐड करेंगे ताकि जो है मेथी की कड़वाहट ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम आलू और ज़ीरा ऐड कर देंगे, फिर ये साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप लोग बना के देखिएगा, बहुत बेहतरीन बनती है, बहुत यम्मी बनती है, क्योंकि उसमें मेथी भी थोड़ी सी कम डलती है, ज़्यादा नहीं डलती, और उसका जो जायका आता है ना बहुत मज़ेदार आता है। चले जी अब मैं बनाती हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ दिखाती भी रहती हूँ। चले जी यहाँ जो है मैंने ऑयल डाल दिया है, ठीक है। अब इसमें जो है ये लहसुन जाएगा, और लहसुन में जो है फिर ये बस मैंने इतनी मेथी ली है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये ऐड कर दें। ठीक हो गया। अच्छा ये ऐड करने के बाद साबुत गोल मिर्च ऐड करेंगे, और साथ में ही ये ज़ीरा ऐड कर देंगे। मुझे तो छोटे के बर्तन बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैं जो है ना बस कभी इनमें कभी किसी चीज़ में ना मसाले निकाल के रखती हूँ, ठीक है। और इसके साथ भी हमने अब ऐड कर देने हैं ये आलू, और इनको जो है फिर हमने अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद फिर हम मसाले ऐड करेंगे। अब ये अच्छे से फ्राई होंगे, आप लोग इस तरीके से बना के देखिएगा। आलू में भी बहुत यम्मी बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखें मैं आपको इसको करीब से शो कराती हूँ। यम्मी। और जी मैं टमाटर को ऐड करने ही भूल गई बातों बातों में। टमाटर भी ऐड करेंगे हम, और अच्छी तरीके से फिर जो है इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है ये देखें, अब जो है आलू को भी अपने तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें जो है ये मसाले ऐड कर देते हैं, हल्दी कुटी हुई लाल मिर्च और नमक बस। अब मसाले भून लेंगे, और फिर जो है
अपने आलू के अकॉर्डिंग हमने पानी ऐड कर देना है ताकि ये बस गल जाए। और ये हमारी मज़ेदार सी आलू मेथी रेडी है। आलू मेथी की आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए इस कदर कोई यम्मी बनी है, ये बहुत मज़ेदार बनी है। आप लोग ये ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, इस रेसिपी से आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और कम टाइम में बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी होती है ये, और उतनी ही मज़ेदार होती है, बहुत यम्मी होती है। और यहाँ ये मैक्रोनी में से धोए उड़ते हुए यम्मी यम्मी, ये जो है हमारे नेबर्स में से आई है, अभी अभी आई है, तो मैंने सोचा कि ना इसकी भी दीदार करा दिया जाए। चले जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।